हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्टेक्स ग्रुप में। तो जैसा हमारी सीरीज चल रही थी फ्री पेड कोर्स की, आज उसमें हमारा सेकंड लेक्चर है। तो देखिए, जैसे हमने कल करा था और काफ़ी अप्रिसिएशन मिल रहा है, आप अच्छा बता रहे हैं। तो देखिए, जो भी टॉपिक है अच्छे से कवर कराया जाएगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही आपको केवल इस कोर्स में कराई जाएंगी। तो रेगुलर क्लासेस होगी। तो चलिए, सिलेक्शन लेना है। देखिए, ये तो थीम है हमारा, सिलेक्शन लेना है। जो एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर में रह गए हैं, इस बार उनको यहाँ पर सिलेक्शन अपना लेना है। सो दिस इज़ हमारा, ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। देखते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, गवर्नमेंट स्कीम्स। अभी हमने एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर में जो हमारा एग्ज़ाम था, उसमें आपको भी याद होगा एक क्वेश्चन आया था, जैसे सुकन्या समृद्धि अकाउंट से। तो ऐसी कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, और देखिए यूपीएससी के मैंने जितने भी एग्ज़ाम एनालिसिस करे हैं, उसमें गवर्नमेंट स्कीम्स का हमेशा जिक्र पूछा जाता है, कहीं ना कहीं हमेशा वो बार बार हमारे सामने आती रहती है। तो इसी में हमने सारी जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है, सारी की सारी हमने इसमें कवर कर ली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहली है हमारी पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि, इसमें क्या है, इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स, मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स के लिए इसमें सपोर्ट है, इनकम सपोर्ट। मार्जिनल फार्मर्स कौन से होते हैं, जिन पर देखिए एक हेक्टेयर की ज़मीन होती है, यानी एक हेक्टेयर तक। एक हेक्टेयर में कितने होते हैं, तो 10,000 मीटर स्क्वायर, यानी जिन पर इतना लैंड एरिया है वो मार्जिनल में होंगे इतने तक। और जिन पर 2 हेक्टेयर तक, यानी 20,000 मीटर स्क्वायर, तो वो आ जाएंगे हमारे स्मॉल में। तो और कितना होता है इसमें, देखिए 6,000 रुपीज़ पर ईयर होते हैं, जो 3 किस्तों में आते हैं, आपको भी पता होगा 3 इंस्टॉलमेंट्स होती हैं उसकी, जो 2,000 की होती हैं। और 24 फरवरी 2019 गोरखपुर यूपी से इसको स्टार्ट किया गया था बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर आती है ये गवर्नमेंट की स्कीम। तो देखिए, यहाँ से आपको कितना कुछ पढ़ने को मिला है। आप इस, आपको बस इस वीडियो को कर लेंगे ना, तो आपको टेंशन नहीं होगी कोई सी भी गवर्नमेंट स्कीम की, आप सारा कुछ कवर कर लेंगे यहीं पर। आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा सा ये आगे देखते हैं। देखिए दूसरी जो हमारी स्कीम है, देखिए इसमें यह पीएम किसान मानधन योजना। अब इसमें क्या है, पेंशन स्कीम है फॉर फार्मर्स। देखिए मैं सब ऐसे डिस्क्रिप्शन में टाइप करा दूंगा, लेकिन अभी इतने आप ऐसे ही देख लेना। इसे पीएम किसान मानधन योजना है, पेंशन स्कीम है फार्मर्स के लिए। 18 से 40 इयर्स एज तक के लिए है। मंथली कंट्रीब्यूशन है आपको जो देनी है, वो 55 से 200 रुपीज़ तक देनी है 60 साल की एज तक। 60 साल के बाद आपको 3,000 रुपये महीने की एक पेंशन बांधी जाएगी, बाय LIC है। स्टार्ट कब से हुई, 12 सितंबर 2019 रांची झारखंड से इसको स्टार्ट किया गया। तो एक और पीएम किसान मानधन योजना, ये दूसरी स्कीम है। इसके बाद अब देखिए, ये क्वेश्चन भी आया था EPFO के एग्ज़ाम में, अगर आपको याद हो तो, अटल पेंशन से। और उसमें क्वेश्चन ये था कि कौन सी एज तक कंट्रीब्यूट करना होता है, तो वो 18 से 40 इयर्स तक था। उसमें देखिए एक ऑप्शन ऐसा भी था जिसमें 18 से 60 इयर्स था, तो बहुत से स्टूडेंट वहाँ भी कंफ्यूज हो रहे थे। तो देखिए, किस लिए ये पेंशन स्कीम है, फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मंथली कंट्रीब्यूशन कितना करना है आपको, अप टू 60 इयर्स एज तक, मतलब जितना आप कर सकते हैं। आफ्टर 60 इयर्स एज 1,000 से 5,000 मंथली की आपकी पेंशन हो जाएगी। और कौन इसको जनरेट करता है, तो PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको जनरेट करता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे होंगे अटल पेंशन योजना के। अब देखिए कब से करी गई थी, जो इसका अनाउंसमेंट था वो था 9 मई 2015 कोलकाता वेस्ट बंगाल में। और इम्प्लीमेंट कब कर दी गई, तो 20-22 दिन बाद, यानी 1 जून 2015 को इम्प्लीमेंट, यानी लागू कर दिया गया इसको। लास्ट देखते हैं,
पीएम सुरक्षा बीमा योजना। अब पीएम सुरक्षा बीमा योजना है किस लिए? कोई एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है उसके लिए। एज क्या है? 18 से 70 इयर्स। क्या करना है आपको? 12 रुपये का एनुअल प्रीमियम देना है, यानी एक साल में आपको केवल 12 रुपये जमा करने हैं और आपको 2 लाख तक का इंश्योरेंस मिल सकता है इस स्कीम में। एक्सीडेंटल डेथ होने पर 2 लाख, टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर भी 2 लाख रुपये मिलेंगे और पार्शियल परमानेंट डिसेबिलिटी होने पर आपको 1 लाख रुपये मिल जाएगा इस योजना के अंतर्गत। अनाउंसमेंट इसका भी देखिए, 9 मई 2015 कोलकाता में हुआ था और इसको भी इम्प्लीमेंट कब कर दिया गया था? तो 1 जून 2015 को ही इसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो देखिए अगली हमारी पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। अब इसमें क्या है देखिए, लाइफ इंश्योरेंस है ये एक तरह की, 18 से 50 इयर्स एज तक एक्सटेंड करके 5 इयर्स बढ़ा सकते हैं, 55 इयर्स एज तक कर सकते हैं और एनुअल प्रीमियम देना होगा आपको इसमें ₹330। 2 लाख तक का इंश्योरेंस मिलेगा, बाय LIC है और इसकी भी अनाउंसमेंट अगर आप देखें तो वही 9 मई 2015 कोलकाता, इम्प्लीमेंट हुआ 1 जून 2015। ठीक है, आपकी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स इसमें क्लियर होने वाली हैं। अगली देखें तो पीएम मुद्रा योजना या मुद्रा बैंक। अब मुद्रा का देखिए होता क्या है, मतलब मुद्रा माने माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। कब एस्टेब्लिश करी गई? 8 अप्रैल 2015। हेड ऑफिस मुंबई। चेयरमैन कौन है प्रेजेंट में? मोहम्मद मुस्तफ़ा। लोन देते हैं आपको 50,000 से 10 लाख के बीच। अब उसको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, शिशु कैटेगरी में 50,000, किशोर में 50,000 से 5 लाख, तरुण में 5 लाख से 10 लाख। तो ये हमारा सारा पीएम मुद्रा योजना के बारे में। अब एक आती है सी प्रसाद योजना। प्रसाद का मतलब पिलग्रीमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, जो पिलग्रीमेज जो तीर्थ स्थल हैं उनके लिए ये योजना है। टू प्रमोट रिलीजियस टूरिज्म 2015 मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर आते हैं, 2015 में इम्प्लीमेंट करी गई। 12 शहर इसके अंतर्गत आते हैं, मथुरा, वाराणसी, अजमेर, अमृतसर, द्वारका, गया, कांचीपुरम, अमरावती, पुरी, वेलाकनी, केदारनाथ और कामाख्या। अब आप मुझे एक चीज़ बताना, कामाख्या कमेंट सेक्शन में, कि ये किस स्टेट में पड़ता है, विच स्टेट इट इज़ इन सिचुएटेड। कामाख्या बहुत मशहूर टेंपल है यहाँ पर। उड़ान योजना, अब देखिए ये गलत हो गया, यूज़ नहीं है इसका, मतलब उड़े देश का आम नागरिक, यानी उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक योजना। किस लिए? रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। कब लागू किया गया? 27 अप्रैल 2017। पहली फ्लाइट कहाँ से कहाँ तक उड़ी? शिमला टू दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारी स्कीम्स आपको यहीं से कवर हो जाएंगे, कोई टेंशन की आपको बात नहीं होगी। अगला देखें पीएम उज्ज्वला योजना। सबको पता है फ्री गैस कनेक्शन फॉर बीपीएल फैमिली। टारगेट है 8 करोड़ बीपीएल फैमिली का, 1 मई 2016 बलिया यूपी से लागू। अभी कभी आपने कुछ देखा हो, कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन था बहुत न्यूज़ में, किसको कहते हैं उज्ज्वला मैन, हु इज़ नोन एज द उज्ज्वला मैन ऑफ इंडिया। आंसर बताएं, आंसर होगा इसका धर्मेंद्र प्रधान, क्योंकि ये उस टाइम पर पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि फ़िलहाल में इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है धर्मेंद्र प्रधान के पास, जिन्हें उज्ज्वला मैन भी कहा जाता है। नरेगा मनरेगा, बहुत नेम सुना होगा, फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। एक्ट बना दिया गया 2005 में, स्टार्ट हुआ 2 फरवरी 2006 अनंतपुर आंध्र प्रदेश में, 200 डिस्ट्रिक्ट्स में। 1 अप्रैल 2008 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया ऑल ओवर इंडिया में। उसके बाद
2 अक्टूबर 2009 एडिट किया गया था इसमें महात्मा गांधी जी का नेम, पहले नरेगा था फिर इसलिए मनरेगा हो गया। 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गारंटी होती है इस एक्ट के अंदर, यानी एक साल में 100 दिन आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होता है, 1/3 फीमेल्स होती हैं, वेजेस ₹202 पर डे, जो अभी आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ईयर ही ये वेज हाइक हुई थी। मुझे ये भी बताना कमेंट सेक्शन में, वेज 2002 जो अब बढ़ाई गई है पहले कितनी थी, यानी एक साल पहले तो ये कितनी थी। अगला ट्राइसेम, ट्राइसेम यानी ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कब स्टार्ट किया गया, 1979, एज 18 से 35 ईयर, अनएम्प्लॉयड रूरल यूथ, देखिए अनएम्प्लॉयड यूथ तो है लेकिन कहाँ का, रूरल का। स्किल डेवलपमेंट प्रायोरिटी क्या है, SC ST या वुमेन। मेन चीज़ आपको देखिए क्या याद करनी होती है, एज कितनी होनी चाहिए, कब स्टार्ट किया गया, फुल फॉर्म क्या है और किसके लिए हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयड रूरल यूथ के लिए हैं, ये मेन आपको पता होना चाहिए। आगे PM कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2015 को लागू हुआ, किस दिन, 15 जुलाई वर्ल्ड स्किल यूथ डे। अब उस ट्राइसेम को ही कहते हैं वर्ल्ड, अब उसको ही PM कौशल विकास योजना हो गई है, और ये लागू कब हुआ, 15 जुलाई 2015, क्यों 15 जुलाई पे होता है वर्ल्ड स्किल यूथ डे, इसलिए उस दिन इसको लागू किया गया। भारत निर्माण, भारत निर्माण कब स्टार्ट किया गया, 2005-06 में, 6 सेक्टर के डेवलपमेंट का इससे लिंक होता है, इरिगेशन, रोड, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, टेलीकॉम, ये 6 सेक्टर का डेवलपमेंट से ही मतलब होता है भारत निर्माण योजना का, जिसे स्टार्ट किया गया 2005-06 में। तो भारत निर्माण क्लियर है, 2005-06 में स्टार्ट किया गया, 6 सेक्टर डेवलपमेंट होगा, इरिगेशन, रोड, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, टेलीकॉम। आगे PM फसल बीमा योजना अनाउंसमेंट कर दी गई कब, 13 जनवरी 2016 को स्टार्ट कर दिया गया या लागू कर दिया गया, 1 जुलाई 2016 को। एंटायर क्रॉप इंश्योरेंस, सारी की सारी फसल का इंश्योरेंस होगा इसके अंतर्गत, खरीफ क्रॉप पर 2% प्रीमियम, रबी क्रॉप पर 1.5% प्रीमियम, कॉमर्शियल जैद क्रॉप पर 5% प्रीमियम। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर क्रॉप का पता होना चाहिए। आगे से PM जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत, तो करंट में बहुत इम्पोर्टेंट है ये आयुष्मान भारत। मेडिकल कवर है BPL फैमिली के, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के, 5 लाख पर फैमिली पर एनम के लिए हैं, यानी एक साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकते हैं एक फैमिली का। कैशलेस एंड पेपरलेस है, अनाउंसमेंट हुई थी 23 सितंबर 2018 को, इंप्लीमेंट कर दिया 2 दिन बाद यानी 25 सितंबर 2018 को। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है, अप्रोक्स 40% पॉपुलेशन, 50 करोड़ यानी तकरीबन, कोई प्रीमियम इसमें आपको नहीं देना। तो बार बार कह रहा हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाली योजना। PM जनधन योजना, अब ये कब स्टार्ट करी गई, 28 अगस्त 2014। मोटिव फाइनेंशियल इंक्लूजन, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट खुले थे इसमें, आज भी खुलते हैं। जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है 2 लाख का, रुपए पेटीएम कार्ड यूज़ हो जाता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है 10,000 की। थीम क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा खाता भाग्य विधाता, दिस इज़ द थीम ऑफ PM जनधन योजना अकाउंट। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना, बस इतना पढ़ना है 22 जनवरी 2015 को लागू हुआ था पानीपत हरियाणा से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आगे पहल योजना, 1 जनवरी 2015 सब्सिडी बेनिफिट ट्रांसफर इन बैंक अकाउंट, अब सब्सिडी जो ट्रांसफर होती है बैंक अकाउंट में उसी को बोलते हैं पहल योजना, 1 जनवरी 2015 को लागू हुई थी ये। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 लागू हुआ, बिजनेस आइडिया प्रमोट करना इसका मोटिव था।
कि कुछ छोटी छोटी सी हैं जिनको बस आपको ये याद करना है, डेट क्या था, मोटिव क्या था। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 ग्रेटर नोएडा से, लोन फैसिलिटी 10 लाख से 1 करोड़ तक की है, एक SC ST और एक वुमेन इंक्लूड होनी चाहिए। सुकन्या समृद्धि, यही था क्वेश्चन, इसी से आया था, और क्या क्वेश्चन आया था वो भी अभी आपको बताऊंगा। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट 22 जनवरी 2015 को लागू, बैंक अकाउंट हर गर्ल चाइल्ड का 10 साल की एज तक, मैक्सिमम एक फैमिली से दो ही गर्ल, मिनिमम डिपॉजिट आप 250 रुपये कर सकते हैं पर एनम, मैक्सिमम डिपॉजिट 1.5 लाख रुपये पर एनम। यानी यही क्वेश्चन था, मैक्सिमम डिपॉजिट वाला ही क्वेश्चन था कि आप 1.5 लाख पर एनम तक कर सकते हैं, जो EPFO एनफोर्समेंट ऑफिसर अकाउंट ऑफिसर में आया था, अभी जो एग्ज़ाम हुआ 5 सितंबर वाले में आप देख सकते हैं बल्कि पेपर भी। डिपॉजिट अप टू 14 ईयर्स एज तक कर सकते हैं डिपॉजिट आप, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 7.6% पर एनम, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करती रहती है टाइम टू टाइम। 18 ईयर्स एज पर आप पैसे निकाल सकते हैं 50% हायर स्टडी के लिए, और 21 साल की एज पर या मैरिज के टाइम पर आप 100% विड्रॉल कर सकते हैं। तो यही था, और यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अब समझ, अब देखिए जितनी भी इसमें योजना आपको करा दी गई है, सारी की सारी गवर्नमेंट स्कीम्स इसमें आपको करा दी गई हैं, तो आपको कहीं नहीं भटकना, बस इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, स्टडी करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए। नोटिफिकेशन चंद दिन दूर है हमसे, या 1-2 महीने कह लीजिए, बस नोटिफिकेशन पर काम करना शुरू हो चुका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्दी, अपडेट जैसी मिलता है मुझे। तो बस स्टडी करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, हम आपके लिए बैठे हैं, फ्री कोर्स कंटिन्यू रहेगा ये जब तक कोर्स हम फिनिश नहीं कर देते। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कंटेंट पसंद आता है चैनल पर नहीं तो डू सब्सक्राइब योर वेरी ओन चैनल वर्टेक्स ग्रुप। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।